वो पल जिसका भारत समेत पूरी दुनिया को इंतजार था, वो घड़ी जिस पर इसरो के साथ साथ नासा की निगाहें भी टिकी हुई थी, वो लम्हा जब अंतरिक्ष की दुनिया में भारत नया कीर्तिमान गढ़ने वाला था, वो आया। लेकिन महज 90 सेकंड में सब कुछ बदल गया। रात का वक्त था। इसरो सेंटर में वैज्ञानिकों की निगाहें सामने चल रही स्क्रीन पर टिकी थी। आखिरी 15 मिनट में तो इसरो चीफ सिवन की पलकें उस स्क्रीन पर ठहर गई थी जिस पर चांद की ओर बढ़ता लैंडर विक्रम नजर आ रहा था। इसरो समेत देश भर के लोग उत्साहित थे, लेकिन चांद पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग से महज 90 सेकंड पहले वैज्ञानिकों के चेहरे के रंग उड़ गए। चंद्रमा की सतह से महज 2 किलोमीटर पहले लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया। और आखिरी के 90 सेकंड में हिंदुस्तान का चांद पर नया कीर्तिमान स्थापित करने का सपना अधूरा रह गया। चांद पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग का समय रात 1:52:54 तय किया गया था। आखिरी के 90 सेकंड बचे थे और विक्रम लैंडर चांद से महज 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। तभी लैंडर से ग्राउंड स्टेशन का संपर्क टूट जाता है। हालांकि अभी भी ऑर्बिटर चांद के चक्कर काट रहा है, जो आने वाले वक्त में डेटा को इसरो के साथ साझा करेगा। हालांकि पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करी। उन्होंने कहा, ये उपलब्धि भी छोटी नहीं है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पीएम ने कहा, हमें देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है। हौसला कमजोर नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हुआ है। हार जीत जिंदगी का हिस्सा भी होते हैं और किस्सा भी, लेकिन इस हार जीत के बीच का सफर बहुत कुछ सिखा जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों के हौसले को पीएम मोदी समेत पूरा देश सलाम कर रहा है, क्योंकि एक सपना टूटा है लेकिन उम्मीद कायम है और हौसला अभी भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, R19।